दोस्तों आज करेंगे कैनन 90D का इमेज क्वालिटी टेस्ट और इसकी देखेंगे वीडियो फुटेज हमें कैसी मिलती है। अब ये कैमरा बहुत टाइम के बाद मेरे हाथ में आया तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक पूरा वीडियो बनाऊं। अब ये जो वीडियो है ये इसका रिव्यू नहीं है, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है दोस्तों कि जो भी कैमरा हम खरीद रहे हैं अल्टीमेटली हमें उससे क्या मिल रहा है, उससे इमेज क्वालिटी हमें कैसी मिलती है वही मैटर करता है किसी भी फोटोग्राफर के लिए। तो देखते हैं आज इससे हमें किस तरह की फोटोज़ मिलती हैं, तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों कैनन 90D का इमेज क्वालिटी टेस्ट करें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कैमरा है मुझे मीरा रोड स्टोर के कैनन इमेज स्क्वायर, जो कैनन का ऑफिशियल स्टोर है मीरा रोड में, उन्होंने मुझे इस कैमरा को दिया है आज ये टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनका जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो अगर आपको कैनन के किसी भी कैमरा या आपको कैनन 90D के बारे में किसी भी तरह की इंक्वायरी करनी है तो वहाँ आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको सारे जवाब मिल जाएंगे आपके सवालों के। अब दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे साथ में काम कर रहा है नवीन भारद्वाज, ये एक मॉडल और एक एक्टर हैं जो फिलहाल अभी अपनी एक्टिंग की ट्रेनिंग मुंबई में कर रहे हैं। तो अगर आप किसी अच्छे मॉडल की तलाश में हैं तो ये अवेलेबल हैं। इनका भी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। चलिए बात करते हैं पहले कैनन 90D के कुछ खास फीचर्स की। कैनन 90D में आपको मिलते हैं 32.2 मेगापिक्सल्स, तो ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है, यानी कि आप इसमें हर तरह का प्रोफेशनल काम कर पाएंगे, चाहे वो फैशन फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो, प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो या फिर वेडिंग फोटोग्राफी। एक चीज़ जब मैंने इसे हाथ में लिया सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो लगी दोस्तों इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी डीप है, और आपको जब आप पकड़ते हो इस कैमरा को तो आपको एक प्रॉपर ग्रिप मिलती है और आपको लगता है आपने एक अच्छा DSLR जो है अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। अब साइज़ की बात करें तो ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, बहुत ही एक सही साइज़ के अंदर इसे डिज़ाइन किया हुआ है। ओवरऑल जो फीलिंग है वो एक बहुत ही अच्छी आपको लगती है। अब कैनन 90D के साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ कैनन का M50mm का लेंस 1.8, जो कि बहुत ही एक बेसिक लेंस है, बहुत ही सस्ता आता है। तो आज देखते हैं कि पिक्चर्स उस लेंस के साथ हमें कैसी मिलती है। सो आर यू रेडी नवीन? तो नवीन के लेते हैं कुछ पिक्चर्स, और यहाँ पर जो है, या नवीन थोड़ा नवीन इधर लुक हियर, लुक हियर, चिन डाउन थोड़ा, क्लोज फेस नीचे, हाँ वेरी नाइस, होल्ड इट, वन मोर, ब्यूटिफुल, थोड़ा फेस क्लोज टू हैंड्स, हाँ यस वेरी नाइस, लुक देयर, लुक हियर, थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ आइज आइज से देखो यहाँ, यस यस ब्यूटिफुल, वन मोर, या चिन अप, थोड़ा चिन अप, ब्यूटिफुल। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दोस्तों मैंने लिए हैं इनके। अब सबसे अच्छी चीज़ मैं यहाँ देख रहा हूँ इमेजेस के अंदर वो लगी मुझे कैनन 90D में, वो है इसकी कलर साइंस। आप देख रहे हैं कलर्स कितने नेचुरल निकल के आए हैं। और यहाँ पर अगर आप एक ऐसे फोटोग्राफर हैं जिनको ज़्यादा रीटचिंग में बिलीव नहीं है, या ज़्यादा आपको वेट नहीं करना किसी एडिटर को पिक्चर्स भेज के, तो ये इमेजेस ऑलमोस्ट रेडी टू यूज़ हैं। आप बस पिक्चर्स खींचिए, अपलोड करिए अपने इंस्टाग्राम पे, या अपने क्लाइंट को आप दिखा सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी दोस्तों कैनन 90D की वो लगी इसकी कलर साइंस, बहुत ही नेचुरल स्किन टोन के साथ में जो है इमेजेस हमें मिली हैं। यहाँ पर जो इसका LCD स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, ये इसके अंदर आपको मिलता है, ये देखिए दिस इज़ अ फ्लिपी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड फीचर, स्पेशली अगर आप व्लॉगिंग करते हैं, अभी हम देखेंगे उसका भी एक वीडियो क्वालिटी टेस्ट करेंगे, बट यहाँ पे आपको फ्लिप आउट स्क्रीन मिल रहा है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अपार्ट फ्रॉम इट्स कलर साइंस, जो अच्छी चीज़ मुझे लगी दोस्तों वो इसमें लगा इसका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन बहुत खूबसूरती से किया है। यहाँ जब मैंने इस कैमरा को पहली बार हाथ में लिया तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि इसके जो बटन्स हैं वो बहुत सही प्लेस के ऊपर है, यानी कि हर जगह सही जगह पर इन्होंने बटन्स को लगाया हुआ है। अगर मुझे ऑटो फोकस चेक करना है तो मुझे सिर्फ कहीं नहीं जाना, यहाँ पर एक ऑटो फोकस का बटन दिया है। मुझे ड्राइव मोड सेट करना है तो मुझे बस यहाँ बटन दबाना है और पीछे ड्राइव मोड आ गया। यहाँ ISO मुझे चेक करना है तो सिर्फ ISO का बटन दबाना है, यहाँ मैं ISO को घटा या बढ़ा सकता हूँ। अगर आप पीछे के बटन्स देखेंगे तो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, और फिर ये जो जॉयस्टिक है ये भी बहुत ही काम की है दोस्तों। तो यहाँ पर आप जल्दी से जो है ऑटो फोकस अगर आपको स्विच ओवर करना है दूसरे उस पर तो आप आसानी से जा सकते हैं, या अगर आपको कोई भी सेटिंग चेंज करनी है तो ये जॉयस्टिक बहुत ही हेल्पफुल है। सो आप देखेंगे ओवरऑल इसके बटन्स, इसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती से किया है। और नवीन जो है उसको मैंने बैठाया यहाँ पे, एक थोड़ा सा लोकेशन जो है थोड़ी वियर्ड सी है, बट उम्मीद है पिक्चर्स में अच्छी दिखाई देगी। या डोंट ब्लिंक आईज, वन मोर, चिन अप, या वेरी नाइस, टेकिंग, वन मोर, होल्ड इट,
लुक हियर, लुक हियर, कैमरा में लुक, यस, वन मोर, यूज योर हैंड, नो जस्ट नो, हाँ दिस इज नाइस, वेरी नाइस, होल्ड इट, वन मोर, होल्ड इट, वेरी नाइस, यूज योर हैंड, दिस इज, या ब्यूटिफुल. दोस्तों आप पिक्चर्स देख पा रहे हैं, बहुत ही हमें जो कलर साइंस है उससे आई एम वेरी हैप्पी. और आप देख रहे हैं कि जितने भी पिक्चर्स मैंने लिए हैं यहाँ पर, सबसे अच्छी बात मुझे लगी दोस्तों जब मैं यहाँ पर अपनी सेटिंग्स को चेंज कर रहा था, यानी कि डिस्प्ले के अंदर, तो स्क्रीन जो है इसका LCD स्क्रीन बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, बहुत आसानी से मैं सब कुछ कर पा रहा था इसके अंदर. दूसरी चीज़, इसका जो रिजोल्यूशन है वो भी इतना बुरा नहीं है. सो ओवरऑल अगर हम इन टोटेलिटी अगर बात करें, अगर फोटोग्राफी के हिसाब से दोस्तों, तो ये एक बहुत ही अच्छा कैमरा है, DSLR है. अगर आपको मिररलेस में इंटरेस्ट नहीं है तो ये एक ऐसा कैमरा है जहाँ पे आपको कैमरा के फीचर्स, वीडियो के फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे. अभी वीडियो फुटेज भी हम लेके देखेंगे. और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ आप शूट कर सकते हैं 10 फ्रेम्स पर सेकेंड. तो अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं, तो उसके लिए भी ये कैमरा काफ़ी अच्छा है, रीजनेबल प्राइस के अंदर है. मैंने लिंक लगा दिया अमेज़ॉन का, वहाँ प्राइस चेक कर सकते हैं. और बाकी मैंने स्टोर का भी जो है लिंक लगा दिया, तो वहाँ भी आप पता कर सकते हैं इसके बारे में. देख रहे हैं अभी हमने थोड़ा सा अटायर चेंज किया है मॉडल का. यस यस, वन मोर, होल्ड इट, ब्यूटीफुल, वन मोर, लुक हियर, लुक हियर, कैमरा में थोड़ा, हाँ, एक और, जस्ट जस्ट प्ले विद योर कैप, हाँ, थोड़ा सा अपने हैट के साथ, हाँ हाँ, थोड़ा लुक देयर, हाँ, इधर इधर इधर, हाँ, ये वेरी नाइस. तो दोस्तों ये कुछ मैंने पिक्चर्स लिए यहाँ पर, और स्टिल आई एम वेरी हैप्पी विद द कलर साइंस. जैसा कि मैंने आपको बताया, कलर साइंस बहुत ही अच्छी है. और अभी इस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ, करीब यहाँ 6:15 बज चुके हैं मुंबई के अंदर, और काफ़ी लो लाइट है. एक्चुअली आपको कैमरा पे तो लाइट दिखाई दे रही होगी, बट काफ़ी लो लाइट में शूट कर रहा हूँ. अब यहाँ पर जो ISO रेंज मिलती है, आपको मिलती है 100 to 25,600. तो वैसे तो अच्छी है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी में काम चल जाता है. बट स्लाइटली आपको, अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर है, तो शायद आपको थोड़ा सा लो लाइट के अंदर उतना मज़ा नहीं आया जितना आना चाहिए. हालांकि पिक्चर्स मुझे काफ़ी अच्छी मिली है इनकी यहाँ पर, बट लो लाइट थोड़ा और बेटर होता तो ये कैमरा और भी बेटर, यानी कि और अच्छे स्ट्रॉन्ग फीचर्स के साथ में गिना जा सकता था. बट यहाँ पर ISO रेंज कम होने की वजह से थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा. दूसरी चीज़, यहाँ पर जो 45 ऑटो फोकस पॉइंट्स मिले हैं वो भी बहुत अच्छे से इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, रीजनेबली गुड ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही. इसका जो प्रोसेसर है DIGIC 8 प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है. सो ओवरऑल अगर हम इसकी परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस मिल रहा है इस कैमरा के अंदर. एंड जो बेस्ट चीज़ मुझे दोस्तों इसकी लगी, वो इसकी कलर साइंस लगी, कि मुझे जो स्किन टोन है, क्योंकि जिस तरह का काम मैं करता हूँ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का, मॉडलिंग पोर्टफोलियोज़ का, तो वहाँ पर मुझे जो इनका जो स्किन टोन है वो बहुत ही नेचुरल लग रहा है. बस ऐसा लग रहा है थोड़ा सा रिटच करूँगा एंड इमेज इज़ रेडी टू यूज़. अब बात करते हैं कैनन 90D के कुछ वीडियो फीचर्स के बारे में. तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिल रहा है 4K अनक्रॉप्ड वीडियो. सो आई थिंक इस सेगमेंट में कैनन के अंदर ये इकलौता मॉडल है जहाँ पर आप 4K वीडियो शूट कर पाएंगे, और वहाँ पर आपको किसी भी तरह की क्रॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको पूरी फुटेज मिलेगी. उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप हाई डेफिनेशन पे अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकेंड शूट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. अब एक चीज़ मुझे थोड़ी इसमें नेगेटिव लगी, वो ये कि इसके अंदर कोई भी मतलब इसमें कोई लॉग नहीं दिया हुआ है कलर प्रोफाइल, जैसे कि आपको सिर्फ न्यूट्रल पे शूट कर सकते हैं वीडियो के अंदर. बट यहाँ पर कैनन का जैसे सी प्रोफाइल होता है, या सोनी के अंदर आप एस लॉग प्रोफाइल है, उस तरह का कोई भी इसमें कोई सिनेमा प्रोफाइल जो है अलग से नहीं दिया हुआ है, जो कि एक थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे. चलिए देखते हैं अब एक फुटेज, और बाद में बात करते हैं ओवरऑल मेरा इसके बारे में क्या रिव्यू रहेगा. चलिए अब आप देख रहे हैं वीडियो फुटेज इसका. मैं हैंडल शूट कर रहा हूँ फिलहाल, और आप देख पा रहे हैं कि कलर साइंस कितनी अच्छी है इसकी. और मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी भैया, ये बहुत ही अच्छा है वीडियो के लिए. अगर आप एक यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाते हैं, तो आई थिंक ये वीडियो के लिए बहुत ही अच्छा कैमरा है. 4K के ऊपर मैं इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सो आप देख सकते हैं कि फुटेज हमें कितनी अच्छी मिल रही है. सबसे अच्छी चीज़ है इसका डुअल ऑटो पिक्सल सिस्टम, जो कि बिल्कुल आपको जो है आईज़ को ट्रैक करता है और आपको एक शार्प फोकस देता है वीडियोज़ के अंदर.
तो दोस्तों लास्ट में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा इसके बारे में जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा, ये क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये पूरा डीप रिव्यू नहीं है, बट मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। सबसे अच्छी चीज़ मुझे, जैसा कि मुझे मैंने आपको पहले ही बताया इसकी लगी, मुझे कलर साइंस। तो अगर आप एक फोटोग्राफर हैं, आप ढूंढ रहे हैं कि आपको एक नेचुरल स्किन टोन्स मिले पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में, मॉडलिंग फोटोग्राफी के अंदर या किसी भी तरह की फोटोग्राफी में, तो यहाँ पर कलर साइंस जो है वो बहुत ही कमाल की लगी मुझे कैनन 90D की। दूसरी चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी दोस्तों इसके अंदर कि ऑटो फोकसिंग सिस्टम है उसका, बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, बट 45 ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं जो कि रीजनेबली गुड हैं, काफ़ी तेज़ी से फोकस लॉक होता है। तीसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी दोस्तों इसका रिस्पॉन्सिव स्क्रीन, बहुत ही आसानी से जो है आप इसके अंदर आप अपना स्क्रीन जो है आपको कुछ भी सेटिंग्स चेंज करनी है, इमेजेस को ब्राउज करना है वो कर सकते हैं। चौथी चीज़ मुझे इस पर सबसे अच्छी लगी दोस्तों वो ये लगी इसका डुअल ऑटो फोकसिंग सिस्टम। जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो बराबर से आईज़ को ट्रैक कर रहा था और मेरा जो फोकस है बिल्कुल टैग शार्प आ रहा था वीडियोग्राफी के अंदर, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, इसकी जो बैटरी लाइफ है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आज दिन भर इसको लेकर शूट किया और अभी भी मेरे पास में जो है करीब आप देख सकते हैं कि करीब 30% बैटरी बची हुई है। तो अगर आप एक ऐसा कैमरा ढूंढ रहे हैं जिसकी बैटरी लाइफ आपको अच्छी चाहिए तो ये बहुत ही एक रॉबस्ट कैमरा है दैट वे। तो यहाँ पर दोस्तों अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लगे मुझे, वो मुझे लगा कि यार इसके अंदर जो है एक कोई भी सिनेमा लॉग नहीं है, यानी कि कोई भी प्रोफाइल नहीं दिया हुआ वीडियो के अंदर, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। ISO का जो परफॉर्मेंस है वैसे वो फैशन फोटोग्राफी तक ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको लो लाइट के अंदर फोटोग्राफी आपको ज़्यादा करते हैं तो शायद ये कैमरा आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ISO 100 टू 25,600 तक का ही आपको एक ISO रेंज मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये एक नेगेटिव पॉइंट लगा। बॉडी जो है वो इसकी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो ओवरऑल ये कैमरा किन लोगों के लिए ठीक रहेगा, तो ये उन लोगों के लिए कैमरा अच्छा है जो कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हैं, दोनों काम करते हैं, तो ये DSLR के अंदर एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। और उन लोगों के लिए भी ये कैमरा बहुत अच्छा है जो सिर्फ YouTube के वीडियोज़ यानी कि वीडियो कंटेंट बनाते हैं, उनके लिए भी ये कैमरा बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4K वीडियोज़ मिल रहे हैं बिल्कुल अनक्रॉप्ड, और दूसरा आपको जो है कलर साइंस वीडियो के अंदर भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है, तीसरा इसका जैसा मैंने बताया ऑटो फोकसिंग बहुत ही अच्छा है। तो ये कुछ चीज़ें जो है इस कैमरा को खास बनाती हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी इसे यूज़ कर रहे हैं तो आपके विचार, आपके एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने बहुत टाइम के बाद बनाया, इसको आके रिलीज़ होकर काफ़ी टाइम हो चुका है। तो जिन जो के पास में कैनन 90D है वो भी नीचे लिख सकते हैं कि उनको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और जो लोग एक नया कैमरा ढूंढ रहे हैं सही प्राइस में तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इवन इन 2022। तो दोस्तों आज का रिव्यू इतना ही रहेगा। सो ये एक प्रॉपर रिव्यू नहीं है, मैंने जस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन बताया है। मेरा जो मेन पर्पस था वो था इसका इमेज क्वालिटी को लेके, तो आई एम वेरी हैप्पी विद द इमेज क्वालिटी। तो अगर आप फोटोग्राफर हैं और एक अच्छा कलर साइंस वाला कैमरा ढूंढ रहे हैं और एक रीजनेबल प्राइस के अंदर कैमरा ढूंढ रहे हैं, तो आई थिंक कैनन 90D इज़ अ वेरी वेरी गुड चॉइस। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा इस कैमरा के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।